सभी दल साथ आए हैं और कई मौक़ों पर मैंने आपसे कहा है कि देश और प्रदेश में आज जो किसानों की हालात है, नौजवानों के सामने जो भविष्य का संकट है, व्यापारियों के सामने जो व्यापार बर्बाद हो गया है, जो आज हर वर्ग के लोग निराश हुए हैं, उन सबको नई दिशा में ले जाने के लिए, खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए ये सभी दलों का एक संगम हुआ है। ये जहाँ विचारों का संगम है, वहीं गरीब और जो कमज़ोर लोग हैं उनकी एक ताकत बनी है। और हमें उम्मीद है कि जब लोकसभा चुनाव की तारीख आ जाएंगी, देश को जहाँ नई सरकार मिलेगी, वहीं नए प्रधानमंत्री भी देश को मिलने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर आदरणीय अजीत सिंह जी का धन्यवाद देता हूँ, जैन जी को बधाई देता हूँ, आदरणीय मायावती जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि लगातार ये कोशिश हुई, प्रयास हुआ है कि सभी दल आकर के उत्तर प्रदेश में एक विकल्प के रूप में एक गठबंधन जो बड़ा बना है, सभी को साथ लेकर चलने का काम हुआ है। और बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि जो प्रभावी गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से काम कर रहा था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें बड़ी पहल माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ली है, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए, नौजवान किसान और दलित वर्गों की अपेक्षाओं को देखते हुए, उम्मीदों को देखते हुए, उस पहल में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल रहेगा। मैं कार्यकर्ताओं से उम्मीद रखता हूँ, चौधरी अजीत सिंह जी को पूर्ण विश्वास है कि सभी 80 के 80 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी दिल लगाकर इस गठजोड़ के चुने हुए उम्मीदवारों को जिताने के लिए मेहनत करेंगे।